मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन झारखंड के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब, केंद्र में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा साहब, केंद्र में मंत्री आदरणीय अन्नपूर्ण देवी जी, क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे साहब, प्रदेश में हमारे मंत्रीगण बादल पत्रलेख जी, हफीजुल हसन साहब, क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय नारायण दास जी और इस सभागृह में उपस्थित समस्त महानुभव भाई और बहनों, संथल परिगना के प्रवेश द्वार देवघर में आप सबको हमारा प्रणाम। ऐसे ही देवघर को कामना धाम नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और शक्तिपीठ के दर्शन के साथ साथ आज जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों ने सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में आज वो सपना इस देवघर के हवाई अड्डे के रूप में और 16,000 करोड़ के विकास के कार्यों के आधार पर आज साकार होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारे भारत के संस्कृति में लिखी गई है अतिथि देवो भव, और उस भारत के देवघर में, मतलब यानी देवी देवताओं के घर में पधारने वाले हमारे भक्तों के लिए सगमता से अपने इष्ट देवता का दर्शन हो पाए, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और वो उपलब्धि भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस समय में दिया जा रहा है जब विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले की शुरुआत अगले 2-3 दिनों में होने जा रही है, जिसके आधार पर लाखों श्रद्धालु इस हवाई अड्डे के आधार पर भी उस मेले में अपना उपस्थिति दर्ज कर पाए। यह केवल एक मामूली बुनियादी ढांचा नहीं है, इस एयरपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी समकालिक सोच विचारधारा जुड़ी हुई है। और पुराना जमाना होता था जहां केवल आर्थिक महत्वपूर्ण शहरों के में हवाई अड्डा स्थापित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस परिभाषा को बदल दी। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस परिभाषा को एक कदम आगे बढ़ाकर केवल आर्थिक सोच विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त धार्मिक और आस्था के स्थलों के साथ भी अधोसंरचना और आर्थिक प्रगति को जोड़ने का एक प्रयास किया है। और पिछले 1-1.5 सालों में चाहे कुशीनगर में जो बौद्ध सर्किट का केंद्र हो, वहां एक एयरपोर्ट जो स्थापित किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और अब देवघर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भाई और बहनों, ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी एक धर्म संस्कृति के साथ एक जुड़े हुए एक जनसेवक की सोच और विचारधारा हो सके, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है भारत के प्रति, सोच और विचारधारा है अध्यात्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है धर्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है संस्कृति को प्रगति के साथ जोड़ने का। और अध्यात्म, धर्म और संस्कृति
कि संगम के साथ साथ क्षमता की एक महाशक्ति के रूप में भारत को परिवर्तित करने का एक संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मेरे भाई और बहनों, भारत के विगत गौरव को, भारत के वर्तमान के गौरव को बनाना और आस्था के गौरव में परिवर्तित करना, यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। अगर देवघर की हम बात करें तो हर दिशा में धर्म और आस्था से परिपूर्ण है, और हमारा संकल्प है कि रांची के बाद झारखंड का यह दूसरा प्रवेश द्वार देवघर जरूर बनेगा। 401 करोड़ रुपए की यह योजना है, 654 एकड़ में यह एयरपोर्ट स्थापित है, और आसपास के कई जिलों, चाहे दुमका हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, गिरदीय हो, धनबाद हो, हजीराबाद हो, करीब 2.5 करोड़ जनता के लिए एक नई सुगम आवागमन की व्यवस्था इस एयरपोर्ट से बनेगी। जो कैपेसिटी इस एयरपोर्ट की वर्तमान की है, 5 लाख लोगों की, यात्रियों की कैपेसिटी है, और बोइंग 737 और एयरबस दोनों विमान इस रनवे पर लैंड कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर पहली फ्लाइट, देवघर कलकत्ता को जोड़ने वाली फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आदेश है कि यह मात्र शुरुआत है, आने वाले दिनों में देवघर को रांची के साथ जोड़ा जाएगा, देवघर को पटना के साथ जोड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री जी की आशा और के अनुरूप आने वाले दिनों में देवघर को देश की राजधानी दिल्ली के साथ भी जोड़ा जाएगा। आज इस दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि जो झारखंड में वर्तमान में 2 हवाई अड्डे हैं, आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर हम 5 हवाई अड्डे तक बढ़ाएंगे, जो बोकारो, दुमका और जमशेदपुर को भी हवाई मानचित्र में झारखंड में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, और इसकी अतिरिक्त उनकी यह भी सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई अड्डे के पास जाने के बजाय हवाई अड्डा हवाई चप्पल पहनने वाले के पास जाए, ये उनका संकल्प और उनका उद्देश्य है। और इसलिए भारत में जितने उपकृत एयर स्ट्रिप हैं उन सबको हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। पिछले 8 साल में झारखंड राज्य में अकेले, जिस राज्य में केवल 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन झारखंड आते और जाते हैं। जिस झारखंड में केवल 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, आज बढ़कर 56 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हो चुकी हैं, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर 14 नए रूट झारखंड के लिए प्रचलित होंगे। दुमका से रांची, दुमका से कोलकाता, बोकारो से पटना, बोकारो से कलकत्ता, और देवघर से पटना, देवघर से कोलकाता और देवघर से रांची, ये 14 नए रूट्स आने वाले दिनों में प्रचलित होंगे। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, भारत को भारत के साथ जोड़ने का, B2B भारत को भारत के साथ जोड़ने का, उस आधार पे जो शहर नागर उड्डयन मानचित्र से पूर्ण रूप से मिटाए गए थे, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के आधार पर, चाहे वो देवगढ़ हो, चाहे झरसुगुड़ा हो, चाहे रूपसी हो, चाहे दरभंगा हो, उन सभी शहरों को आज नागर विमानन क्षेत्र के साथ जोड़ा जा चुका है। तो आज इस मंच से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जिस भारत में केवल 74 हवाई अड्डे होते थे, 70 साल में प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर पिछले 8 वर्षों में 67 नए हवाई अड्डे, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट बने हैं, 141 देश में बन चुके हैं। जिस देश में एक भी उड़ान योजना नहीं थी, उड़े देश का आम नागरिक, आज 423 उड़ान योजना है, और आने वाले 4 सालों में इस पंक्ति को हम 1000 तक बढ़ाकर रखेंगे। ये संकल्प और विश्वास हम इस मंच से लेते हैं। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, झारखंड के सभी हमारे निवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और बाबा भोले की नगरी और उसी के साथ साथ
संपूर्ण झारखंड वासियों की सपने का उड़ान की शुरुआत आज से होगी इन्हीं मनोकामना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।